Bismillah Rahman and Assalamu Alaikum and a very very good evening to you all. जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आपका होस्ट आपके सामने आ चुका है. माई नेम इज़ मानी लियाकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुनाइट विद मानी लियाकत. यस, आई एम एब्सोल्युटली 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 वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो एंड आई एम श्योर यू गाइज आर एज वेल. और मैं खुशी में भी हूँ, मैं इन्जॉयमेंट में भी हूँ, मैं इस जज्बे के साथ भी आया हूँ कि थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने जो हमें फीडबैक दी है, जो प्रोमो चले हैं, उसके अलावा जो मुझे मैसेजेस आए हैं, ट्वीट्स आई हैं, फेसबुक पे आप लोगों ने लाइक किया है, सो थैंक यू वेरी मच. आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी चैनल पर हो, किसी भी टी वी पर हो, किसी भी मीडिया पर हो, उसके पीछे एक टीम होती है, उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका ख्वाब, एक इंसान का ख्वाब, उसको वो लोग हकीकत कर देते हैं. तो मेरे पीछे भी मेरी डीएम डिजिटल और डीएम ग्लोबल की टीम है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा बड़ा खूबसूरत सा जो सेट लगा हुआ है. सो थैंक यू वेरी मच टू गोल्डन आर्ट्स जिन्होंने हमारे लिए ये डिज़ाइन किया. हमारे, मैंने बहुत सार खाया इन लोगों का, और मेरी प्रोडक्शन टीम जो मेरे साथ, मेरे चीते हैं ये, मेरे टाइगर्स हैं, और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. तो मैं आप सबका बहुत बहुत ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये शो दे सके. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर लियाकत मलिक का भी, जिन्होंने मुझे ट्रस्ट करके एक ऐसा पीक टाइम दिया अपना कि ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, आप लोगों के साथ अपनी थॉट्स, अपना जो कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया उसको शेयर कर सकूँ. इसके अलावा इस शो का एक मेन मकसद ये है टू आइडेंटिफाई द ब्रिटिशनेस ऑफ अ पाकिस्तानी एंड एनी अदर नेशन. ये शो सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं, ये हमारे ब्रिटिश के लिए है. यहाँ पे मेरे जो गेस्ट होंगे इंशाल्लाह शोज़ में, मैं वो पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, जहाँ से भी हैं, हम उनको देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका टैलेंट क्या बोलता है बेसिकली. तो टैलेंट बोलता है तो इस शो पर आप लोग बैठेंगे हमारे साथ, आप इंजॉय करेंगे. लेकिन आई हैव अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू ऑल एज वेल, और वो सरप्राइज नया है. आई डोंट थिंक उस सरप्राइज के बारे में ज़्यादा लोग जानते होंगे या जानते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि जिस तरह आई एम ऑलवेज आउट फॉर लुकिंग आउट फॉर न्यू टैलेंट, और मैंने काफ़ी देर पहले, बल्कि एक फेसबुक पे लिखा, अपने ट्वीट पे भी, ट्विटर पे भी लिखा था कि आई एम लुकिंग फॉर समबडी न्यू फ्रेश फेस. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फाउंड अ फ्रेश फेस टुडे जॉइनिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन टीवी. तो आप लोगों ने अपनी अप्रिसिएशन शो करनी है, अपनी हौसला अफजाई दिखानी है हमारे साथ. आई वुड लाइक टू वेलकम माय को होस्ट फॉर दिस प्रोग्राम टुनाइट विद मानी लियाकत. The one and only, she is a journalist. She's studying masters at the moment in Manchester University as a journalist. And I wish her all the very best for future and of course the show. So please welcome. Bharpoor taaliyon mein apne gharon mein jahan marzi hain, baithe hote khlo jao, khlote hote let jao. Shifa Yousafzai. Assalamu alaikum. Kaisi hain aap? Waalaikum salam. Alhamdulillah. Aap kaise hain? Allah Pak ka karam hai. Kaisa feel kar rahi hain? बिल्कुल नर्वस नहीं. बिल्कुल भी नर्वस नहीं है. लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आज फर्स्ट टाइम ये आपका शॉट था. बिल्कुल. हाउ, व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड? आई रियली वांट टू पिक योर ब्रेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. माइंड में यही चल रहा है कि मतलब पाकिस्तान से हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह, तो पाकिस्तान से यहाँ तक का सफर जो है वो बड़ा अजीब सा है. बड़ा सा. हाँ, मतलब किधर तुम पाकिस्तान में बैठी हुई थी, बिल्कुल ठंड में आ गई, उधर चिप चिप ते पिज पिज हर वक्त. क्या है? और ऊपर से मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊं कि शिफा, मैंने सही कहा ना आपका नाम यूसुफ जई, एज द नेम सेज शी इज माशाल्लाह इज अ पठान, इज अ पख्तून. पश्तून, इज दैट द वर्ड? पश्तून, पख्तून बोथ. कुछ है पश्तून. हाँ, तो कुछ है कुछ अपना बोलो ना अपनी जुबान में, अपने लोगों के लिए कुछ बोलो. अस्सलाम वालेकुम सरंगे यही, आई होप तासे टोल खे यही, ओ दुआ गाने का वही माँ दे पा रहा, वो मानी दे पा रहा, वो पाकिस्तान दे पा रहा. अच्छा. खैर, रागले दगा रोड़ा निश्ता अखरोट बादाम पिस्ता. अच्छा जी, जबरदस्त. ये तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको, आप वैसे इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक?
ओरिजिनली हम पेशावर से हैं, अच्छा यूसुफ़ज़ई डिफरेंट इलाकों के होते हैं, वैसे तो सुल्तान महमूद गज़नवी की ट्राइब को भी यूसुफ़ज़ई कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अगर पीछे चले जाएँ तो वो अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इतनी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना नहीं चाह जाना रही। चाहते, बल्कि हमारी मलाला भी तो वो यूसुफ जई यूसुफ है ना, जी तो बिल्कुल, आपका कोई रिलेशन को नहीं फूफी नहीं चाची की बेटी तो मेरी नहीं? कोई फूफी चाची की बेटी नहीं है पक्की मलाला, बात बिल्कुल मेरी है? मलाला देख कोई रहा, रिश्तेदार नहीं है। पता लगे मेरे पे हमला हो जाता। अच्छा जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी है, कहाँ से और कौन बोल रहा है जी? सलाम अलैकुम। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो मेरे बड़ा इंतजार था इस प्रोग्राम का। तो मैं अच्छा आपसे ये कहूंगी कि माशाल्लाह जी, डीएम चैनल के बड़े अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे। प्लीज जी, आप जरा पाकिस्तान के हालात वो जो उस पर भी जरा लगाया करें प्रोग्राम। मैं कल बड़ा इंतजार करती रही कि कोई ऐसा प्रोग्राम लगे और जी जी सियासत पे, जैसे कि पाकिस्तान के अब हालात जा रहे हैं, जैसे कि कल इकरार ने पकड़ा हुआ था और फिर बेशक छोड़ दिया, इस तरह के ये प्रोग्राम लगाया करें। हमें बड़ा अच्छा लगता था अपनी राय का इजहार करते हुए, और मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम प्लीज इस पे भी करें। और थैंक यू बहुत सो मच कॉल आई, आपकी बहुत हम सजेशन इंतजार में का। होते हैं कि हमारी आवाज डीएम चैनल के थ्रू तो हमारी आवाज पाकिस्तान तक पहुंचती थी, तो अब काफी डेफिनेटली देर से ये प्रोग्राम नहीं आप कर रहे। थैंक यू सो मच आपका, आपकी अप्रिसिएशन का। देखें, आप जब तक आपका हमारा रابطہ रहेगा, हम अपने अंदर या आप भी अपने अंदर जिस तरह एज 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 ए ह्यूमन मैं बात करूं, बेहतरी लेके आएंगे। मुझे आप बताएं, आप कहां से कॉल कर रही हैं और आपका नाम? अच्छा सॉरी, मुझे बताया गया कि वो लंदन से थी, चली गई। थैंक यू वेरी मच आपकी सजेशन का। और हम इस प्रोग्राम में सेगमेंट्स हैं हमारे कुछ, आज रहा ये था कि थोड़ा हम लोग यू नो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, क्यों जी? बिल्कुल आज तो हमने ज़रा शिफा को थोड़ा सा टेस्ट देना ना कि भाई देखो कैमरे के सामने क्या होता है, पीछे तो तुम बड़ी बातें करती रही हो, राइट? मैं अभी भी बातें करूंगी। बातें तो हाँ, बस ये देख बातें करनी है, ये हाँ सानू तो पैसे भी बोलन दे मिलते ने। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इसमें इस प्रोग्राम में इट्स एज इट सेज टुनाइट विद मारी लियाकत, तो हमारे जो भी गेस्ट होंगे इंशाल्लाह, अब मेरी यही कोशिश है, बल्कि अगर आप लोग देख रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमारी जो ईमेल एड्रेस पे हमें भेज सकते हैं, जो मैं शिफा बताएं हमारी ईमेल क्या है? हमारा ईमेल एड्रेस है जी टुनाइट विद मानी लियाकत, tonightwithml@gmail.com। तो उसके अलावा ये है कि हमारे फेसबुक पे भी पेज है बिल्कुल, वो भी टुना इसी नाम से है, वो टुनाइट विद मानी लियाकत के नाम से है, और जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है tonightwithml@gmail.com। आप कोई भी सजेशंस है, बल्कि आप हमें भी फीडबैक, ये तो मैंने ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली इसको मैंने आखिर में कहना ही था, लेकिन सिंस आपने अभी जिक्र किया तो एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनको लेते हैं। सलाम अलैकुम जी, कहाँ से और कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं, जी। क्या नाम मैं है? रेहान क्यानी बात कर रहा हूँ, डीसबरी से। जी रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है देख मानी लो भाई मेनू आप। किस कम पाता जे। चंगा भला घर मैं बह के इस टाइम मैं आपको चाह मुबारकबाद विच दूंगा। मैं बिस्कुट डबो डीएमडी के खा चीफ रहे हूँ, होना सी। एक बड़ी अरसे के बाद एक बहुत ही किस्म का होस्ट इन्हें वापस मिला, थैंक यू और मुबारकबाद देना चाहूंगा शिपा जी जो बैठी हुई हैं। थैंक यू जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका बात करने का स्टाइल है, जी और बस बेस्ट ऑफ लक जाहिर है कहूंगा मेरा तो आपको। तुहानू बड़ा पैड़ा लगा और होना है। आजकल के इस दौर में, अच्छा मुझे आपकी आवाज जो है ना बड़ी कम आ रही है। अच्छा आवाज कम आ रही है आपको? आप ठीक है? आप ठीक है? तो कि पानी आ रहा है, आवाज नहीं आ रही? देखो जुगत पहुंच जल्दी। और जुगत रेहान भाई, आपने मेरा वो छाती वैसे ही अड्डी माशाल्लाह बड़ी और बड़ी कर देती है, और जस्ट योर कॉल हैज़ मेड माई नाइट। एंड शिवा रेहान इज अ होस्ट एज वेल, और माशाल्लाह ये मेलाज में, इसके अलावा शोज में परफॉर्म करते हैं, बल्कि जो आगे हमारा शो आ रहा है लॉकडाउन प्रमोशन के साथ, उसके साथ भी हैं। तो थैंक यू सो मच रेहान आपका, थैंक और इसी यू। तरह आप अपनी सपोर्ट हमारे साथ रखिएगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि जो आपको सेगमेंट आपने खुद पिक किए हैं, हम किस किस बारे में बात करेंगे शो पे? करंट अफेयर्स हैं, शोबिज़ है, एंटरटेनमेंट है, उसमें आज डिफरेंट बातें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बात जो करंट अफेयर्स की है पाकिस्तान से रिलेटेड, वो आज 1 मई का इमरान खान का जलसा था,
और वो बड़ा मैसिव था, वो बहुत क्राउड आया है वहाँ पे, और उसकी एक चीज़ जो एंटरटेनमेंट से जुड़ती है वो कंदील बलोच है। अच्छा, कंदील बलोच के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं इस कॉलर के बाद आपसे वो पूछूंगा उनके बारे ठीक। में। जी सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली है, जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ। अच्छा, अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मानी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप मेरा पक्का आपका हैं। मुझे पता आपका शो हो रहा है यहाँ पे, मैं आई कांट वेट, मैं छलांगी मार रहा हूँ आपकी शो के लिए। मानी साहब, आप ये डेडिकेशन भी करते हैं, मुझे पता आप एक गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा जो मैं एक आया था, आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया था, वो था वो क्या सोच लो, था, सोच लो। वो बड़ा फेमस था ये 2 साल हाँ, पहले, गूगल कर लो, गूगल कर लो। शायराना सी है जिंदगी की जरा है जरा, प्लीज थोड़े से अपने वॉइस में हमें गाना वो प्लीज सुना कौन सा दीजिए गाना, ना। सॉरी अली, कौन सा गाना? शायराना सी है जिंदगी की जरा, शायराना सी सी है है जिंदगी। जिंदगी भी जरा अच्छा, जी, राहुल रॉय का था वो शायराना पिक्चर, सी राहुल रॉय हुआ है। वो, पूजा भट्ट, अच्छा पूजा अच्छा भट्ट की परे हट। जी थैंक यू सो मच अली, आपकी कॉल का, आपने लंदन से कॉल किया, मुझे तो ये गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन जो थी इंशाल्लाह मैं इसके अलावा आपको कोशिश करूंगा। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हैंडसम हूँ। क्या इसमें क्या सुनने वाली बात थी। नहीं, मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ तो आगे आपको, से बोलो को, हाँ बिल्कुल पश्तो में कहो कि आप हैंडसम आओ लगते आओ, बिल्कुल तासो डेर हैंडसम यही ये मेनू गोलियां मरवाएगी, ऐसा कोई भरोसा नहीं। हमारे साथ कॉलर है जी, सलाम अलैकुम। हेलो, सलामकुम जी, ए शिराज मलिक बोल रहा हूँ ब्रिटेन से। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम अलैकुम शिराज, वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ओके। बस आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस करनी थी प्रोग्राम के लिए, अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा कामयाबी भी दे आमीन। आमीन। आपको हमारी जी, प्रेजेंटर कैसी जो लगी मेन हॉट प्रोग्राम की? टॉपिक्स है ना जो पाकिस्तान के बारे में, वो डिस्कस करें ताकि लोगों को उसको अच्छा मैसेज मिले, लेसन मिले। लेकिन मेरे शो पे शिराज एक बात याद रखना, पॉजिटिव बात होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैंने किसी नेगेटिव पॉइंट को पकड़ने नहीं। आई एम सॉरी, क्यों बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने पहले बिल्कुल। डिसाइड कर लिया। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बोले। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी, तो क्योंकि हम लोग आप नेगेटिव, देखिए कई चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ टीआरपी के पाकिस्तान के, लिए बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। भाई हमारे पास इतना मुआद है पॉजिटिव बीइंग अ पाकिस्तानी। आई एम वेरी प्राउड, और मेरा मैसेज ये है, बी पाकिस्तानी बाय बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तान। सिंपल इज दैट। तो थैंक यू सो मच, आप अपनी दुआओं में याद रखो, और इसी तरह इंशाल्लाह बस सिलसिला कारवां इंशाल्लाह चलता रहे। जी, और साथ आपकी ये जो नहीं होस्ट है शिफा साहब, शिफा इनको भी जो है आप काफी जो है टीच करेंगे उनको, ये आपसे लर्न करेंगी और आप। वैसे थैंक यू सो मच, आपने थैंक साहिबा को साहब बना दिया, चलो कोई नहीं, मेरा नाम अक्सर लोग मिस्टर के साथ लगा देते है ना, होते वो हैं, पाकिस्तान में होता है ना, घबरा के बंदा बिल्कुल। कहता है, और बुढ़ी ने भी सर कह देता या तो आज मुझे घबराना चाहिए था, मुझसे ऐसा कोई ब्लंडर हो जाना चाहिए था, आप क्यों घबरा रहे चलो हैं? आपकी जगह उन्होंने कर लिया, सदका जारिया थी आपकी कॉल, सदका जारिया थी आपकी कॉल। थैंक यू सो मच राज, देखे लोग बर्टन में भी देख रहे हैं, बर्टन एक बड़े छोटा सा टाउन है बिल्कुल, मैंने माशाल्लाह, सुना हुआ है और मैं रह के आया हूँ, बड़े प्यारे लोग हैं वहां के, पता नहीं मुझे याद करते हैं, एक ने तो कर लिया बाकियों बर्टन, को, बर्टन ब्रांड बड़ा मजे का है ना, बर्टन ब्रांड भी, चलो जी ब्रांड दी भी नाल ने कर दी, जेडे काम नहीं करने कुड़ी तू वो पहले दिन तो शुरू कर देते ने, वाह जी वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आज का जो सबसे बड़ा इवेंट यही था कि जलसा, वो पीटीआई का जलसा, हाँ बड़ा मैसेज, बहुत मैसेज आए हैं, लाहौर में था, दुनिया मतलब पाकिस्तान के हर जिले के कस्बे के लोग, बहुत ह्यूज आवाम वहाँ पे गई है, और वो जलसा एक्चुअली था चैरिंग क्रॉस में, और चैरिंग क्रॉस में उनको गवर्नमेंट ने जलसा करने की पहले तो इजाज़त नहीं दी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इजाज़त दे दी। मेरा ख्याल है कॉलर है लाइन कॉलर भी पे। हमारे साथ हैं हाँ जी, सलाम अलैकुम, मिसिस बाटन लंदन से दोबारा उन्होंने कॉल किया। वालेकुम सलाम, बड़ी जी बात है जी, उन्होंने मेरी पहली कॉल से भी मेरी आवाज़ पहचान ली थी हाँ कि जी आप मिसेस बट लंदन से बात कर रही हैं, तो बड़ी बात है कि मैंने काफी देर के बाद टेलीफोन किया है, लेकिन उन्होंने फौरन मेरा नाम और मेरी पहचान ली है। तो जी मैं ये कहूंगी साहबा से कि साहबा बड़ा अच्छी आज आपने ये बात स्टार्ट की है कि आज इमरान खान का जलसा बड़ा कामयाब रहा है,
बड़ी रौनक रही है, बड़ी खुशी हुई है। तो अल्लाह करे जी ये कामयाब हो जाए हमारे पाकिस्तान के लिए, ताकि हम लोग हॉलीडे करने के लिए दुबई जाने की बजाय, अमेरिका जाने की बजाय पाकिस्तान जाए। आमीन। और हम लोग अभी पाकिस्तान गए हुए थे तो अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे दोबारा लेकिन आप पाकिस्तान किस जगह गए, किस जगह गए पाकिस्तान? और इंप्रूव करेगा पाकिस्तान। मिसेस भट्ट आप पाकिस्तान कहाँ हो गए हैं, किस जगह पे गए? मैं पाकिस्तान लाहौर से होके आई हूँ। आए तू की जाने पोलिए मजे नारकली दिया शाना। वो आप बिलीव करें कि मुझे वापिस आए 2 वीक हो गए, लेकिन अभी तक मेरा दिल दिमाग पाकिस्तान में है। बिल्कुल, क्या बात। इसमें तो आपको मेरे साथ गाना गाना पड़ेगा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा। देखिए हमारी जो सोनी धरती है ना, किसी ने बस बहुत खूबसूरत है। हाँ, इतनी खूबसूरत है कि मैं पाकिस्तान, बहुत अच्छा उसके वेदर है, बहुत अच्छी उसकी रोड है, बहुत अच्छी उधर रेस्टोरेंट है। मैं अगर तारीफ करने लगूं तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा, एक प्रोग्राम काफी नहीं होगा। बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं ना, आपको अपने प्रोग्राम पे बुलाएंगे, हम कहेंगे ना एक रक्षा मिसेस भट्ट के नाम है। और भट्ट माशाल्लाह वैसे ही खुले डुले होते ने, और तुम्हारे नाल गल करने दा वैसे ही मजा आएगा। हाय एवरीवन, दिस इज माय है ना। लेकिन मेरे वास्ते न्यारी बना के लेके आनी, वरना सॉरी इंतजार किया करूंगी संडे को आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच। हमारे फेसबुक पे भी आप लाइक कर सकती हैं, और अब जिस तरह हमने आपको बताया है जो हमारी ईमेल एड्रेस है, छोड़ो जी ईमेल की साइड, tonightwithml@gmail.com, और फेसबुक पेज है हमारा टुनाइट विद मानी लियाकत। हाँ जी, तो ये तरीके देखिए, इस तरह आप ये देखो जब आप पॉजिटिव बात करते हो ना तो उसका रिएक्शन कितनी जल्दी होता है। बिल्कुल। अब माशाल्लाह इन्होंने 2 दफा कॉल की अपने टाइम से, तो आई रियली वांट अप्रिशिएट योर एफर्ट ऑन दिस, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप देखते रहें, हमें सजेशन भेज देखिए मेरा जो, और इन जैसे कॉलर्स से ही हमारी सपोर्ट होती है बेसिकली। एब्सोल्युटली, प्रोग्राम ऐसे ही लोगों से चलते हैं। और मैं दरअसल यहाँ पे पहले प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो उसमें ये था कि माशाल्लाह बड़ा हम इंजॉय करते थे, लेकिन वही था, वो भी एक पॉजिटिव मैसेज था। हमने ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से कॉलर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहां से? मैं शिक्षा से बात कर सकती हूं? प्लीज, बिल्कुल कर सकती हैं जी। कैसी हैं आप, और अपना नाम बता दें प्लीज। पहचाने की मैं कौन हूँ? चलो जी पहचान। सुरैया। मैं आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। अच्छा, आप मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, नाम तो बताए ना अपना। अगर चाइल्डहुड फ्रेंड है तो फिर तो क्या नाम? गुड्डी दा फोन है, गुड्डी दा। मैं आबरू बात कर रही हूँ, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आबरू? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी नाइस टू सी यू, और बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू यार, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, और बहुत खुशी हुई आपको देखकर। थैंक यू यार, मैंने गोली मरवा दियो फिर एक बंदे ने। सॉरी, मैंने कहा मुझे गोली मरवा दो यार, मैं अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरी आवाज आनी किथे था? वो कह रहे हैं मुझे गोली मरवा दो। अच्छा, और आपका शो बहुत अच्छा होता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कभी कभी देख पाती हूँ। अब मेरी वजह से रोज हर संडे को देखना है आबरू। सॉरी, अब मैंने कहा मेरी वजह से हर संडे को देखना है बच्चों को बिठा के। आप तो इस तरह करूंगी कि बच्चों को सलाह दिया करूंगी। खाला आई टीवी पे, खाला आई। देखो बच्चों, खाला आई टीवी, एंजॉय करो। थैंक यू आबरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू आबरू, थैंक यू। आपने मेरी आबरू उड़ा दी, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ये सिलसिला जारी रहेगा बातों का, मुलाकातों का। हम इंजॉय कर रहे हैं, शिफा भी इंजॉय कर रही है, लेकिन ब्रेक तो बनता है ना भाई, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग टुनाइट विद मानिलिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, शिफा भी बहुत इंजॉय कर रही। थैंक यू सो मच आपकी, आपके मैसेजेस का, आपकी कॉल्स का, कीप दम कमिंग। हमारा वही है कि हम ये चाहते हैं कि फ्लो चलता रहे बस, है ना, सिलसिला चलता रहे, कारवां चलता रहे। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ ये क्या चक्कर हुआ आज जलसे के बारे में? जलसे के बारे में बताऊं या कंदील के बारे में बताऊं? कंदील कौन है, मैंने पहले दस। आप कंदील को नहीं जानते? नहीं, मेरी कोई फूफी दी थी है कि जो मैंने मैं जाना। मतलब कंदील जितने आप यूके में पॉपुलर है ना, उतनी कंदील पाकिस्तान में पॉपुलर। अल्लाह खैर करे, तुमने मेरे से आपको बंदी से मिलना चाहिए। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं इस तरह की पॉपुलैरिटी लूं। नहीं, आज समझ दी क्या हूं?
नहीं मैं आपको कुछ मैं आपको मानी को मानी ही समझूंगी, और मैंने क्या समझना है। ये ज्यादती है मेरे साथ, ज्यादती। ये क्या, ये खुला है तो ज्यादा नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ आज? जलसे में ये हुआ कि बड़ी जोरदार धुआंधार तकरीरें हुई। अच्छा। बड़े लोग आए पिछले जलसों की तरह, इस दफा जलसे में औरतों के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था, कंपाउंड। अच्छा, खान साहब के जलसे पे लेडीज के लिए खास इंतजाम होता है, उसकी क्या वजह? खास इंतजाम इसलिए होता है क्योंकि जो बाकी पार्टीज हैं, गवर्नमेंट हो गई, वो कहीं किसी औरत का दुपट्टा अगर खारदार थार में भी फंस गया ना तो वो जिम्मेदारी आ जाती है खान साहब पे। जबरदस्त। तो इसलिए भी औरतों के लिए खास इंतजाम होता है, और कंदील के साथ आज बड़ी ज्यादती हो गई। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कई वजह ये भी है कि लड़कियां चली जाती हैं, चलो यार इसी बने हमारी भी आंखें ठंडी। एक्चुअली खान साहब ने अपने बिल्कुल जहां पे तकरीर कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल सामने औरतों का बनाया होता है एनक्लोजर, तो वहां पे यहां ये भी खुला तजाद है कि आदमी कहते हैं कि हम इतने करीब से क्यों नहीं खान को देख सकते। खान साहब यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस इन मैनी वेज, है ना। आई नीड टू लर्न सम। मुझे भी, मेरा भी दिल करता है मैं इधर दो चार लड़कियां उठा दूं। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहा? वालेकुम अस्सलाम, नजम बोल रहा हूं जी, मैनचेस्टर से। सॉरी कौन बोल रहे हैं? नजम बोल रहा हूं मैनचेस्टर से। नजम बोल रहे हैं मैनचेस्टर से। नजम साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मानिए आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका शो सो फार बहुत अच्छा जा रहा है, ये आपकी तरफ से एक बड़ी अच्छी काविश है। Thank और you. आपकी जो को होस्ट है, मैंने भी कहना चाहता हूँ कि ये भी इनका पहला शो है, और विश देम विश हर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आई वुड से कि अगर मलाइका सर बिफोर अच्छी काविश है, इसमें अगर आप मोर देन शो बेस्ड अगर आप पॉलिटिक्स और जो करंट अफेयर्स हैं इस पे अगर आप ज्यादा जोर देंगे, विच आई एम श्योर यू विल, तो ये हम सब बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे आपके तवसत से हम अपनी आवाज भी दूसरे लोगों तक पहुंचा सकेंगे। जबरदस्त, आपने कहा और हो गया। वो एक एड आता होता था पाकिस्तान में, लगाया डाला भिगोया और हो गया, और आपने सजेशन दी नहीं और हमने वो काम कर दिया आपके लिए। आप मुझे बताएं हमारा सेट कैसा लगा आपको? मनी सॉरी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लाइक ने भी कंप्लेंट की और मुझे भी बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। अब बेहतर हुई कोई? अब आ रही आपको आवाज? मनी गुजारा हो रहा है, मैं आधी बातें गैस कर रहा हूँ, ऐसा ना मैं उल्टा गैस कर। आप अपने टीवी पे तो नहीं सुन रहे साथ साथ, आप अलहदा हो ना? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको शिफा की आवाज आ रही ठीक? आप बोलो। मनी आपकी आवाज मुझे आप मुझे सुन सक रहे हैं जी? आप बोलो। आप आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी हाँ आशिफा, हल्की हल्की आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं दोबारा थोड़ा ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सजेशन दिया है नजम भाई, इंशाल्लाह ताला उस पे अमल होगा। आज मैं सिर्फ अपना अपने शो का और शिफा का इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा था, तो मेन चीज मकसद ये था कि आप अच्छा सबको पता लगे कि बहुत अच्छा है। आई नो कि आज आपकी पहली एपिसोड है, तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेकिन अगेन आप इस शो के बाद डेफिनेटली आप लोग बैठ के प्लानिंग वगैरह करेंगे, तो ये जस्ट एज अ फीडबैक एज अ व्यूअर, मैं डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप ज्यादा करंट अफेयर्स पे आप डिस्कस करें। शो बेस पे तो हर बंदा करता ही रहता है, शो बेस में देयर इज नथिंग न्यू, इट्स एवरी सिंगल डे इज जस्ट द सेम स्टोरी। Done हो गया। Affairs, I think right this moment of time, Pakistan के लिए current affairs is a lot more important than showbiz. ठीक, जाते जाते पाकिस्तान आई जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। अच्छा ठीक है जी, अब मुझे एक चीज की समझ ये नहीं आ रही कि अभी आज इतना बड़ा जलसा हुआ खान साहब का, और मैंने जब क्वेश्चन किया अपनी जो हमारे एक्सपर्ट इधर मैंने बिठाया हुआ है, और पहली चीज ने मुझे यही कही है जी, कंदील बलोच नू अंदर नहीं जान दिता। कंदील बलोच नू अंदर नहीं जान दिता, तो उन्हें रोना पाया है, और वो ये कह रही थी कि मैंने आज खान साहब से इजहार मोहब्बत करना है। बढ़ गया जी, इजहार मोहब्बत करना से वो ही रह गई है। खान साहब मुझे एक्चुअली इस पे खान साहब का रद्द अमल जानना है, वो इंशाल्लाह हम आपके लिए अगले शोज में लेके आएंगे कि जब खान साहब तक ये खबर पहुंची तो उनका क्या रद्द अमल था कि कंदील बलोच ने उनसे इजहार मोहब्बत करना था उन्हीं के जलसे में जो वो हुकूमत के खिलाफ दे रहे थे। हाँ जी, मेरा तो फ्यूचर ही खत्म हो गया ना। हमारे साथ कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बोल रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रही? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा
अवाम। अच्छा अभी लाइन पे अच्छा जी बोलें, यासिर साहब बोल रहे हैं स्पेन से। ओला ओला, सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासिर लियाकत साहब, कैसे? जी आवाज आ रही है आपको हाँ मेरी? जी, अब आ रही है आपकी आवाज आ रही है। जी, बोले यासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैंने फोन सिर्फ इसलिए किया कि आप तो प्रोग्राम नया नया शुरू हुआ है और बहुत खूबसूरत लगाया है, पता नहीं किसने लगाया, पैरल बहुत खूबसूरत लगाया है। क्या चीज सेट की प्रोग्राम बात? बहुत खूबसूरत थैंक लगा यू सो मच जी, आपने, थैंक यू, अपने सेट को बहुत खूबसूरत बनाया है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू सो मच। हमने बस और को दूसरी बात, मैंने इसलिए फोन किया है कि शिफा मेरी नीस का भी है, इसलिए भी फोन किया है। जी शिफा मेरी एक नीस है जो यूनाइटेड स्टेट में रहती है, फिलाडेल्फिया में, अच्छा इसलिए अच्छा भी फोन किया है आपकी हौसला अफजाई के लिए। यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू जी। ठीक है ठीक जी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो हमारी ये जी सेट देखे हमारा, माशाल्लाह बड़ी हाँ मेहनत सर, हुई है इस बहुत पे, खूबसूरत बनाया है, वेरी गुड। वो मैंने इस्लामाबाद है। यू हमने पूरी दुनिया की वही बिल्डिंग्स यूज की हैं, लेकिन आप देखें पाकिस्तान को इस्लाम हमने हाईलाइट किया पाकिस्तान है, इज अप मेहनत की फ्रंट। है और खैबर भी है जी आपका, हाँ पेशावर का। बिल्कुल जी, बहुत और ये खूबसूरत सेट है देखें माशाल्लाह, वेरी जबरदस्त, वेरी ये मैं भी ब्यूटीफुल। हूँ, मैं भी तो आप माशाल्लाह देखिए मेरे पाकिस्तान पिछले की एक बयान तो बिल्डिंग मैंने ही आज तक देखा हूँ यूके के चैनलों पे, ना। मैं दुनिया की वाहिद बिल्डिंग हूँ जो बोल सकती है तारीखी तारीखी मकाम। कभी और बोल आप नाम के कंदील बलोच को नहीं जानते हैं लियाकत वानी साहब? ये तो बुरी ज्यादती है, ये बड़ी ज्यादती है। आप बताएं हमें कंदील बलोच की नहीं आज जानती हैं की। उनको? आप बता दें बस, मैनू दस ही दियो कौन है कि आज ओ, मैनू। मिसेस बनना चाहती है इमरान खान की, तीसरी रहीम खान के बाद। चलो अच्छा, रहीम खान के बाद, रेहाम खान जी। हाँ एक तो खान साहब है गए, तो तुम ना देखो कैसे जे ले रहे हो। अच्छा वो तीसरी बीवी बनना चाह रही हैं, अल्लाह खैर ही करे। खान साहब प्लीज बच के रहियो। अच्छा मुझे अब ये बताओ जी, कि आजकल ये जो मेन जो फोकस पूरी कौम का, जिस तरह कौम में हमारे सिर्फ, नजम भाई ने बात की है, वो है पनामा लीक्स। हाँ सिर्फ हमारी कौम का नहीं, पूरी दुनिया का फोकस है हाँ जी पनामा लीक्स पे। मैं एक दफा एक कॉलर ले लूं, फिर इसके बारे में बिल्कुल। बात करते। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह, अल्लाह बहुत पाक का प्यारा करम आप प्रोग्राम है। सुनाए। आप दोनों को बहुत बहुत सलाम, प्यार पेश करती हूँ। और इतनी प्यारे सेट किए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका पीछे जो आपने बनाया है। लेकिन थोड़ा सा एक है कि आप कहते थे नेगेटिव बात नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान का परचम होना चाहिए था उसमें, थोड़ा सा वो कर देते तो क्या बात है, देखें चार चांद लग हाँ, जाते, बात उन्होंने बड़ी ऐसे अच्छी की लेकिन है। आप हो आपने जाता देखा सोनी नहीं। धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। आमीन तो आमीन। पहुंचे मिसिस है ना जी, खान देखे जलसा हो मेरे सकता नालों हो वड्डा गया है, बहुत परचम है, किथे लेकिन लबना हम तुहानू सब पाकिस्तान इश्तेहार दा? करें, फिर हम तोड़ना उनकी पुरानी आदत है। हम दोनों बड़े मुहिब्बे वो वतन बेचारी शहरी बेवकूफ बैठे हैं, लड़कियां यहाँ जो पे उनके पाकिस्तान पीछे के लगी हमसे बड़े रहती हैं, परचम कहाँ आप बेचारी ढूंढेंगी। अगर आगे बुढ़िया हो जाती हैं, फिर बच्चों को कह रही होती हैं बेटे वो देख लो आपके मामू जान घूम रहे हैं। अच्छा मैंने बात मिस कर दी, सॉरी, क्या कह रही थी आप? मैंने कहा इमरान खान साहब तो पुरानी आदत है लड़कियों का दिल तोड़ने की, तो हाय हाय, एक टूटा बेचारी एक बुढ़िया होके बच्चों को कह रही होती हैं वो बेटा आपके मामू जान जा रहे हैं। कसमें, एक ये टूटा हुआ दिल, आपके अबू होते होते रह गए। एक टूटा हुआ दिल तो यहाँ पे लेकिन बैठा सर है। आपका प्रोग्राम हाय बहुत हाय, अच्छा मर आज मैंने जाऊं पहली मैं, मर दफा जाऊं। देखा है, तो अल्लाह मियां आपको और तरक्कियां दे और अच्छा आमीन काम करे। मैं भी 3.5 माह पाकिस्तान रह के आई हूँ, सच आने का दिल नहीं चाहता था वापस। सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद में रही, ठीक है, बहुत सारे बहुत सादा लोग, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, सच्ची बात है कि उनके पास पैसा ये चीज नहीं है, ये जलसों पे जाके लगा लें, लेकिन सही मोहब्बत बात। बहुत करते हैं, चाहे वो किसी को दाल भी पेश करते हैं मोहब्बत से पेश करते देखिए हैं। मैं हमेशा एक बात करता तो होता हूं इन्हीं कि लोगों की वजह से हमारा पाकिस्तान आबाद है बेटा। कितना बिल्कुल गरीब है वो आदमी जिसके पास सिर्फ पैसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच यू, आपकी ओके जी, कॉल अल्लाह हाफिज। का, और आपका जो मैसेज है वो इमरान खान साहब को पहुंच गया है। वो मिल गया कि भाई बड़ी औरतों को आप, उनके बच्चे जो हैं वो आपको आज मामू कह रहे हैं, तो खान साहब चारे मारे एक है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या करें यार, किस किस की है ख्वाहिश। ना। बुढ़िया नु है नहीं कि पाकिस्तान च तब्दीली हाँ आए, हाँ बुढ़िया नु है कि इमरान मिल जावे। मैं इमरान खान के घर में किसी तरह चली जावा। मुझे बताओ पनामा लीक्स मसला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और क्या ये इसके पीछे बात क्या? क्योंकि अल्लाह माफ करे हमारे, देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन हमारे नवाज शरीफ साहब तो इतने मासूम है, हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कि उन्होंने देख के मेनू दिल करता है कि मेनू भुख लग जाती है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋ ਭੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਸੀਲੇ ਆਲੂ ਖਾਓ ਜੀ, ਕੋ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ ਕੋ ਡਿਸ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਪੈਨਾਮਾ ਲੀਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀ ਜਿਸਮੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ, ਨੋਟੇਬਲ ਲੋਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ, ਇਨ ਸਭ ਕੇ ਨਾਮ ਥੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਮੇਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਥੇ ਇਨ ਪਰ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਥਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਆਫਸ਼ੋਰ, ਆਫਕੋਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਥੀ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਥੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਉਪਰ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਯੇ ਵੀ ਸੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਨਕਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਮੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋ ਦੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੀਆ। ਹਮ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਅਖਬਾਰਾਤ ਮੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੀਏ ਥੇ। ਬਈ ਹਮ ਲੋਗ ਤੋ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਨ ਸਕਤੇ। ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਵੀ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਕਾਲਰ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ? ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ جی میں فریدہ بات کر رہی ہوں لندن سے۔ فریدہ لندن سے، کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، ہنستے کھیلتے ہٹے کٹے۔ مانی کو لگ رہی ہے دراصل شاید بھوک، بھوک بڑی سخت لگی ہے مجھے۔ کیسی ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گی فریدہ؟ میں یہاں پینامہ لیکس کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ بے شک بے شک، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ اتنا کمپلیکس ایشو کو بنا دیا، بہت سمپل سی بات ہے۔ قانون میں ایک چیز کی اجازت ہے کہ آف شور کمپنیز بنتی ہیں، بہت جگہ ہیں دنیا میں، وہ ریزن اس کا اچھا ہے یا برا ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ۔ لیکن اس کا ہونا جو ہے اٹ سیلف کوئی اتنا بڑا کرائم نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں اس میں انوالو۔ اصل مسئلہ جو آ گیا ہے وہ یہ کہ کن لوگوں کی ہیں، جی جن لوگوں کی ہیں یہ ان کے اوپر بار ہے کہ وہ ثابت کریں کہ جو پیسے تھے وہ کہیں خدا نخواستہ ملک و قوم کا لوٹا ہوا پیسہ تو نہیں ہے۔ گڈ پوائنٹ۔ اگر آپ صاحب جائیداد تھے، آپ کے باپ دادا کی کوئی اثاثے تھے، وہ آپ کو ملے، آپ کو آپ نے بہت اچھا کوئی بزنس کیا، کہیں اور سے آپ کی لاٹری لگ گئی، کوئی جیک پاٹ لگ گیا، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں اس بات کے ساتھ۔ بے شک یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پیسوں کا سورس کیا تھا۔ بے شک، یہ بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، بڑا الجھا دیا ہے کہ ساری قوم اس میں لگی ہوئی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، اس مسئلے کو حل کریں اور آگے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فریدہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ عدالتیں ہیں، عدالت اپنا کام کرے۔ عدالت میں تو اپنے ججز کے نام ہے جی، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ عدالت میں کیس گیا نہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ نہیں بات دیکھیں، یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، دیکھیں مسئلہ تو بہت بڑا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، آپ اس کو مان لیں۔ ہاں، آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا ہے، تھینک یو سو مچ، اس کو ہم ڈیفینیٹلی آگے ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پہ میں صرف ایک بات یہ کہتا چلوں کہ یہ بات، یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ایک آپ کے گھر کے، میں مالک تو نہیں کہوں گا لیکن سربراہ کا نام ایک ایسی چیز کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اوور آل، صرف ایک کنٹری میں نہیں، آپ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کی جو برینڈنگ ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، کیوں شبہ؟ بالکل، اور یہ صرف ہمارے اپنے ٹیلی ویژن پہ یا میڈیا پہ نہیں ہو رہا، بلکہ باہر انٹرنیشنلی بھی ہمارا لوگ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق بن گیا ہے جس طرح سے انہوں نے اشتہارات دیے۔ اگر وہ اتنے سچے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آرام سے سائٹ پہ ہو جاتے، وہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بناتے، کمیشن بناتے، اور کہتے کہ تم انویسٹیگیٹ کرو، اور اگر ہوگا تو میں بحال ہو جاؤں گا۔ آبویسلی ان کو بحال کر دیتے اگر وہ اس سے صفائی سے باہر نکل آتے تو۔ یہ لیکن اس کا ریئیکشن ایسا نہیں ہوا نا، اس کا ریئیکشن جی بالکل، اور اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے میڈیا نے بھی، دیکھو ایک چینل آبویسلی پاکستان کا ہے ایسا جو اس کی اینٹی ہے، اور ایک چینل ہے جو بالکل اس چیز کو کور کر رہا ہے، اس کے اوپر خبر ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں بات، میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ کے تھاٹس، آپ کا سب کچھ لبرل نہیں ہوگا، میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، میری اپنے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے، اپنے اندر پاکستانیت پیدا کرو، ٹھیک ہے نا؟ جتنے آج بھی اللہ بخشے، مطلب کہ ون آف مائی فیوریٹ لیڈرز از بھٹو صاحب، اینڈ یو نو آئی اینڈ ہی واز اے لیڈر،
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज भी उनका नाम लेके उनकी आइडियोलॉजी लेके बस बैठ जाऊं जी, बस जी भुट्टो ने ये कह दिया, जो भुट्टो ने कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन क्या उस पे काम हो रहा है, क्या उस पे अमल दरामत हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप किसी पार्टी के लीडर के या किसी पार्टी के चेयरमैन के सपोर्टर ना बने, आप पाकिस्तान के बने और पाकिस्तान के बारे में पहले सोचें, किसी नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी या किसी के भी बारे में। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहां से बोल रहा है? मैं जी अरशद कर रहा हूं जी। कितों बोल रहे हो अरशद साहब? ए यूके तो ही बोल रहे हैं जी। आए शहर का नाम भी दस दियो जी। शहर का नाम भी दस दियो। ड्यूसबरी। ड्यूसबरी, अस्सलाम वालेकुम ड्यूसबरी। वालेकुम सलाम। अरशद साहब की कहना चाहोगे? बिल्कुल खान साहब दे राइट ते लेफ्ट बंदे बिल्कुल बेटे विच ने। बिल्कुल है ने। सारे ने ना, देखो आना चाहिए। मेरी मेरा कहने का मकसद की सी, मैं दो मिनट पहले इस टॉपिक नु फड़िया सी कि पाकिस्तानियत पैदा करो ना। शरीफ नहीं खा गया इतना, कई खा गए। बिल्कुल बिल्कुल, ए सरदारी साहब का देख लो तो के नहीं है। बस ठीक है, तुहाडी गल सानू समझ आ गई, थैंक यू वेरी मच। और असी इन्हू दोबारा डिस्कस करांगे। देखिए बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि आपने अपने अंदर जब तक पाकिस्तानियत नहीं पैदा करेंगे। देखिए ब्रांडिंग है ना, अब ये जिस तरह लोगों को ये माशाल्लाह आप लोगों को सेट पसंद आ रहा है, हर चीज़ पे काम हुआ है, इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने मुल्क पे, अपने कौम पे, हमारे इतने, मुझे ऐसे लगता है कि कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस मीडिया हम लोग जो और इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं उससे साइड ट्रैक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि देखो तालीम का इशू है, सुविच का सिस्टम पाकिस्तान में, मतलब कि वो थोड़ी सी बारिश हो, मैं लाहौर में था, हर जगह पानी खड़ा हो जाता है, और वो उस पानी से जितनी गंदगी पैदा हो रही है, बीमारियां, उस पानी से बीमारी पैदा हो रही है यार, इतने हम यही लोग भी उन्हीं सड़कों पे जाते हैं ना, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि पनामा लीक का तो हमें आई थिंक वी नीड बिगर, वी नीड मोर प्रोग्राम, वी नीड मोर टाइम ऑन दिस, लेकिन मुझे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज यहाँ पे एक मुझे खबर मिली जो मैं मीडिया को देखते हुए एंटरटेनमेंट के लिहाज से कि एक फिल्म रिलीज हुई मालिक हाँ जी, उसके तो मैंने ज़्यादा अभी तक प्रोमोज वगैरह देखे हैं, उसमें कुछ पता लगा क्यों बैन किया गया उसको? बैन एक्चुअली इसलिए कहते हैं किया गया, मैंने उस दिन एक्चुअली बीबीसी उर्दू पे इंटरव्यू देखा है फिल्म के डायरेक्टर का, अशर अजीम का, और वो यही बता रहे थे कि पहले उनको कहा, फिल्म चल पड़ी थी सिनेमाज में, प्ले हुई है फिल्म, रिलीज हुई है प्रॉपरली ऑल ओवर पाकिस्तान, 2 से 4 हफ्ते तक वो रही है सिनेमाज में, लोगों ने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स ने देखा है, मुझे पता लगा है, तो वो यही कह रहे थे कि पहले उन्होंने कहा कि आप जो हैं आप CM का वर्ड यूज कर रहे हैं और सिंध की गवर्नमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो सिंध के बारे में जो जितने भी पार्ट्स आपने डायलॉग्स में बोले हैं, स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, वो आप कट कर दें। फिर उन्होंने वो कर दिया, उसके बाद उन्होंने अगले दिन दोबारा उनको फोन किया, फेडरल गवर्नमेंट से उनको लेटर्स गए कि आप CM का नाम ना यूज करें। सॉरी मैं आपको कट कर, मुझे आप ये बताओ कि बेसिकली उन्होंने फिल्म लगा दी सिनेमा में, लगाई और फिर बाद में बैन हुई। जी, 3-4 हफ्ते बाद उनको ख्याल आया इस चीज का। माशाल्लाह, वो सारी छुट्टी थे होने है ना, सुते होने, किसी ने सिक कॉल की थी होनी है, सेंसर है, खुदा दे बंदे हो। जब मुझे ये लगता है कि ठीक है हम एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे, मैंने देखा वल्ला आलम, मैं उसके बारे में कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप जो बंदा जो शख्स अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा वहीं पे एरर है। हमारे साथ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है मियां साहब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। कौन कहां से बोल रहे हैं? सॉरी, जावेद चौधरी ब्लैकबर्न से अर्ज कर रहा हूं। ब्लैकबर्न, सलाम अलैकुम ब्लैकबर्न। वालेकुम सलाम, और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं मियां साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू, आप एंजॉय कर रहे हैं। और जो पनामा लीक्स के बारे में है,
वो जो डिबेट आप चल रही है हल्की फुल्की सी, तो पाकिस्तान का एक मीडिया है उसने 1969 की खबर ब्रेक की है कि नवाज शरीफ के वालद की ऑफशोर कंपनियां, एक वाशिंगटन में शेख साहब होते हैं उनके साथ 1969 में थी। अच्छा। और पाकिस्तान से ये शुगर, दाल, चावल और सकरत के जो है ना बाई समुंदर अमेरिका या कनाडा में जाता था, तो वो शेख साहब अगर एक फोन करते ना नवाज शरीफ को तो नवाज शरीफ रिजाइन कर सकता है, मगर ये 69 से नवाज शरीफ ये फैमिली पाकिस्तान को लूट रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सॉरी हमें आपको यहाँ पे कट करना पड़ा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे हम जरूर गौर करेंगे, लेकिन मैं आपको जाते जाते बता दूं हमारे पास, थैंक यू सो मच शिफा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, आपने एंजॉय किया बहुत जी, जाते जाते जल्दी से मुझे कुछ पश्तो में कह दो खुदा हाफिज़ इनको, ताकि मैं फिर अपना कहूँ पंजाबी में। चलो एनु एनु तू पश्तो, तू जा पहले सीख के आ पश्तो। अच्छा जी, मेरे लोग नाना माता पश्तो राजी, तो एना जे एना फिर मेनू भी आंदी है। मैं आपको यही कहूंगा, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारा जो फेसबुक का लाइक पेज है टुनाइट विद मानी लियाकत, उसको लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो करें, आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें, इसके अलावा ईमेल है tonightwithml@gmail.com। थैंक यू सो मच आप सबकी कॉल का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे। उससे पहले बताते चलूँ हमारा कॉमेडी टेक अवे टूर हो रहा है 7th of May आयरिश सेंटर मैनचेस्टर में, प्लीज़ आएँ हमें सपोर्ट करें, इट्स ए चैरिटी इवेंट, इज कॉल्ड कॉमेडी टेक अवे टूर। इंशाल्लाह आपका होस्ट मानी लियाकत आपसे दोबारा एक नए फ्रेश शो से मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।